हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम हो और पकोड़े साथ ना हो तो ठंड का मजा अधूरा रह जाता है। ठंड में चाय और पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर पकोड़ा ब्रेड पकोड़ा हो तो इसके क्या कहने। ब्रेड पकोड़े की बात कुछ और ही होती है। ब्रेड पकोड़ा खाने में बहुत टेस्टी होता है। ब्रेड पकोड़े में हम ब्रेड और बेसन का प्रयोग करते हैं। ब्रेड पकोड़े को आप किसी भी किटी पार्टी या छोटी मोटी बर्थडे पार्टी में भी आप बना सकते हैं। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहद पसंद आती है। बेसन के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, वजन कम करने में मदद करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बेसन हमारे शरीर को एलर्जी से भी बचाता है। जहाँ आलू गठिया में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो गठिया रोगियों के लिए भी बेहद फायदेमंद करता है। और एक चीज़, ये बीपी को कंट्रोल करने भी बहुत मदद करता है। पतले लोगों के लिए तो ये एकदम वरदान है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। तो इतने सारे गुणों के भंडार वाले बेसन व ब्रेड के पकौड़ों के संग आगे का सफर हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी।
मेक श्योर इस वीडियो को रैंक दीजिए, एक लाइक दबाकर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही में बना एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।